सबको समझ में आया? कोई ऐसा बच्चा जिसको डाउट हो? बेटा यू कैन टॉक टू मी एनीथिंग। बहुत बच्चे 8th के 9th क्लास के बच्चे खुद सामने आते हैं, ठीक है, कि मैम हमें ये प्रॉब्लम है, एंड आई होप सो फ्रॉम क्लास 10th स्टूडेंट्स ऑल्सो। ठीक है, किसी को कोई डाउट है जहां तक हमने किया था? यस और नो? Yes. एनीबडी हैज डाउट? कम फॉरवर्ड, आ जाओ आ जाओ, भाग करो। doubted transformation process. ट्रांसलोकेशन? ट्रांसलोकेशन Yes. यू नो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड की आप बात कर रहे हैं? Yes. हाँ, यू टेल मी क्या डाउट है आपको, क्या चीज? बेटा बाकी कोई नहीं, आप बताओ क्या चीज समझ में नहीं आई, फिर मैं आपको समझाती हूँ। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इन बाय फ्लोएम टिश्यूज. बाय फ्लोएम टिश्यूज, ओके, मैं आपको लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड। बैठो, क्या नाम है बेटा आपका? नैना. नैना, यस. ओके नैना, बैठो मैं आपको बताती हूँ। बिल्कुल बेटा, एकदम जैसे हम पहले भी कहते हैं, अगेन मैं आपको ये कह रही हूँ, काम एंड क्वाइट विद डिसिप्लिन, कंजर्व योर एनर्जीज। ठीक है, जितनी एनर्जी कंजर्व करोगे उतना कम पढ़ना पड़ेगा, उतना आप स्पोर्ट्स में, उतना नींद में, है ना, सोने का। एक मैं थोड़ा सा आपको और बताऊं कि स्लीप इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू रीगेन योर पावर। ठीक है, बट ऐसा नहीं कि 10 10 घंटे 12 12 घंटे हम सोते ही रहे, कि हमारी मैम ने तो कहा है कि सोना बहुत जरूरी है, इसलिए भाई हमें जगाना नहीं। ठीक है, स्लीप इज रिक्वायर्ड। हाउ मच स्लीप इज रिक्वायर्ड? 6 to 7 hours ऑफ स्लीप इज रिक्वायर्ड पर डे। इससे ज्यादा हमें सोने की जरूरत नहीं है। बट अगर हम डिसिप्लिन में नहीं बैठेंगे, अगर हम कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे, तो हमें बहुत ज्यादा टाइम पढ़ने पे लगाना पड़ेगा, राइट? और जब हमें बहुत ज्यादा टाइम पढ़ने पे लगाना पड़ेगा, तो हमें सोने के लिए कम टाइम मिलेगा, और सोने के लिए कम टाइम मिलेगा तो हमारी एनर्जी रीगेन नहीं होगी। तो एक ये विशियस सर्कल हो जाता है। विशियस सर्कल मतलब उस सर्कल से हम बाहर नहीं निकल पाते। क्या होगा, ना तो हम आराम से पढ़ पाएंगे, ना हम अपने स्पोर्ट्स पे ध्यान दे पाएंगे, ना हम अपनी हेल्थ पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, और ना स्लीप हमारी पूरी होगी। तो वी कैन नॉट डू एनीथिंग प्रॉपरली। सो वट इज इंपॉर्टेंट, डू वन थिंग एट ए टाइम विद फुल कॉन्सेंट्रेशन। एट दिस टाइम यू आर अटेंडिंग माई क्लास, सो योर कॉन्सेंट्रेशन 100% कॉन्सेंट्रेशन ऑन माई क्लास। एम आई राइट? आर यू रेडी फॉर दैट? ओके, सो नाउ फोकस ऑन। अब कोई हमने कोई बुक्स नहीं खोलनी, अगेन बुक्स की हमें जरूरत नहीं है, पेन पेंसिल और कॉपी। ठीक है, कोई नीचे कुछ जा रहा है, बैग में क्या पड़ा है क्या नहीं पड़ा छोड़ दो, कोई आपका फ्रेंड क्या कर रहा है छोड़ दो। किसी को हमने ना, हम बच्चे होते हैं, आई वॉज ऑल्सो लाइक दैट, मैम पढ़ा रही है तो ये देख, है ना, हम ऐसे ही करते हैं ना, कि हम अपने एल्बो से देख मैम क्या कर रही है, देख मैम के बाल कैसे है, देख मैम कैसे बोल रही है। नहीं, इस पे ध्यान नहीं देना, ठीक है, हम भी आपके जैसे थे, होता है, ये एक फन एक्टिविटी है, ठीक है, बट अगेन फॉर योर ओन सेक हमने कॉन्सेंट्रेट करना है, पूरी स्क्रीन पे कॉन्सेंट्रेट करना है। एंड आई थिंक माई लेक्चर इज इंटरेस्टिंग और बोरिंग? सही और जब इंटरेस्टिंग है तो फिर हमें पूरा कॉन्सेंट्रेट इस करना है। सो टुडे इज 11th, एंड यू आर टॉकिंग अबाउट फ्लोइंग ट्रांसपोर्ट, कि फ्लोइंग का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। तो पहले तो मुझे ये बताइए बेटा, 10th A मुझे बताएगी कि विच फूड इज फॉर्म्ड, विच टाइप ऑफ शुगर इज फॉर्म्ड इन फोटोसिंथेसिस। सुक्रोज. इज इट सुक्रोज? यस.
एवरीबडी एग्रीज विद दिस. टेंथ बी, टेंथ बी, टेंथ बी की मुझे आवाज नहीं आ रही है, जोर से बोलो. इज इट, अगेन मैं तुम्हें ऑप्शन देती हूँ, विच फूड इज फॉर्म्ड इन फोटोसिंथेसिस. ऑप्शन ए इज सुक्रोज, ऑप्शन बी इज स्टार्च, ऑप्शन सी इज फ्रक्टोज, एंड ऑप्शन डी इज ग्लूकोज. यस, टेंथ बी, रोल नंबर 5. यस, कम फॉरवर्ड माइक के पास आके जल्दी से. कौन सा फूड बनता है फोटोसिंथेसिस में? हाँ जी, मुझे पता नहीं चल रहा बेटा, जोर से बोलो. स्टार्च स्टार्च, यू टोल्ड मी स्टार्च. समबडी आर टेलिंग मी सुक्रोस एंड शी इज टेलिंग मी स्टार्च. एनीबडी जिसका इससे डिफरेंट, बैठो बेटा, जिसका इससे डिफरेंट आंसर है, रेज योर हैंड्स. बेटा दोनों ही आंसर्स गलत है. एंड रिजल्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज ग्लूकोस. ये याद रखना है बच्चे हमें कि विच फूड या विच शुगर इज फॉर्म्ड इन, ध्यान से मेरी बात सुननी है, इन फोटोसिंथेसिस. सो आंसर इज ग्लूकोस. ग्लूकोस बना, उसके बाद क्या हुआ, सेकंड स्टेप क्या होता है? पहले मेरी बात सुननी है पूरी, फिर मैं जो कहूंगी वो लिखना है. अभी पेन छोड़ दो, कॉन्सेंट्रेट ऑन द स्क्रीन. सेकंड पॉइंट क्या है बेटा? सम ग्लूकोस, कुछ स्ट्रक्चरल चेंज होता है. सम ग्लूकोस इज कन्वर्टेड इनटू फ्रक्टोस. फ्रक्टोस भी एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है. देन थर्ड, ग्लूकोस प्लस फ्रक्टोस कंबाइन्स टू फॉर्म सुक्रोस. सुक्रोस दो शुगर्स का बना है, ग्लूकोस एंड फ्रक्टोस का. देन फोर्थ, सुक्रोस इज ट्रांसलोकेटेड फ्रॉम सोर्स टू सिंक थ्रू फ्लोइंग. मैंने लास्ट टाइम आपको सोर्स और सिंक के बारे में थोड़ा सा बताया था. अगेन मैं जब ये समझाऊंगी तो आपको दोबारा से बताऊंगा. थ्रू फ्लोइंग, देन इन सिंक, जहां पर सिंक है, सुक्रोस फिर रिवर्स हो रहा है. सुक्रोस ब्रेक्स इनटू ग्लूकोस एंड फ्रक्टोस. फ्रक्टोस कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोस एंड एन नंबर ऑफ ग्लूकोस. एन मतलब बहुत सारे ग्लूकोस मॉलिक्यूल्स, दे ज्वाइन विद ईच अदर टू फॉर्म. इस तरह से ये बहुत सारे ग्लूकोस मॉलिक्यूल्स है, हजारों में, 100 200 नहीं,
मेनी थाउजेंड ग्लूकोस मॉलिक्यूल्स। मैं यहां पे दिखा तो नहीं सकती इतने। इस तरह से बहुत सारे ग्लूकोस मॉलिक्यूल्स दे ज्वाइन विद ईच अदर टू फॉर्म स्टार्च। इज इट ओके? सो एवरीबडी, 10th A मुझे बताएगी व्हाट इज, विच फूड इज फॉर्म्ड बाय फोटोसिंथेसिस? ग्लूकोस। 10th B, ग्लूकोस एंड फ्रक्टोस ज्वाइंस टू फॉर्म सुक्रोज। 10th A, विच शुगर इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू फ्लोएम? सुक्रोज। विच इज द 10th B, विच इज द स्टोर्ड फूड इन प्लांट्स? स्टार्च। विच इज द स्टोर्ड, देखो सिंक में इट स्टार्च एंड दिस स्टार्च इट इज स्टोर्ड, इट इज द स्टोर्ड फूड। सो नाउ राइट डाउन इन योर कॉपी, राइट डाउन एवरीबडी, ठीक है? ये कॉपी में लिख लो, पता नहीं कॉपी तुम्हारे पास होगी या नहीं, बट ये लिखने से क्या है आपको याद हो जाएगा, ठीक है? फूड फॉर्म्ड इन फोटोसिंथेसिस, फूड फॉर्म्ड इन फोटोसिंथेसिस इज ग्लूकोस, इज ग्लूकोस। सेकेंड पॉइंट, राइट डाउन दिस, सम ग्लूकोस इज कन्वर्टेड इनटू फ्रक्टोस, जल्दी से। सम ग्लूकोस इज कन्वर्टेड इनटू फ्रक्टोस। देन नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, दिस ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज फॉर्म सुक्रोज। ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज फॉर्म सुक्रोज। नेक्स्ट पॉइंट, द शुगर ट्रांसलोकेटेड, द शुगर ट्रांसलोकेटेड फ्रॉम सोर्स टू सिंक, सोर्स टू सिंक थ्रू फ्लोएम, थ्रू फ्लोएम इज सुक्रोस। देन इन सिंक ये वाले पॉइंट्स लिख लो जल्दी से। जल्दी से एवरीबडी क्विक, डन बेटा? 10th A, 10th B। चलो अपने पेन छोड़ दो फिर नीचे, चलिए नेक्स्ट हम आ जाते हैं। व्हाट इज सोर्स, व्हाट इज सिंक? सोर्स क्या है? आइदर हम कह सकते हैं वेयर द फूड इज सिंथेसाइज्ड, और वेयर द, और हम ऐसा ना लिख के हम सिंपल कह सकते हैं या थोड़ा सा मैं कह
करेक्शन करूंगी कि सिंपल हम कह सकते हैं सोर्स, विच प्रोवाइड्स फूड टू प्लांट एंड सिंक वेयर द फूड इज यूटिलाइज्ड और इज ट्रांसलोकेटेड, जहां पे फूड पहुंचता है दैट इज कॉल्ड एज सिंक। इज इट राइट? सो हाउ फूड इज ट्रांसपोर्टेड, अगर हम कहा जाए, या सोर्स और सिंक, दोबारा से मैं बता रही हूं, इन स्प्रिंग सीजन, आई हैव टोल्ड यू लास्ट टाइम ऑल्सो, 10th A, रोल नंबर 41, आई होप देर आर 41 स्टूडेंट्स, 42, There are 39 students. 39 स्टूडेंट्स, सो 39th रोल नंबर, आ जाओ आ जाओ बेटा। ड्यूरिंग स्प्रिंग सीजन, बेटा स्प्रिंग मतलब बहुत अच्छा मौसम है, थोड़ी गर्मियां हैं, जब द ट्री इज ग्रीन, सो विच इज द सोर्स, कहां से कौन खाना प्रोवाइड कर रहा है, रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, कौन खाना दे रहा है प्लांट के बाकी पार्ट्स को, रूट्स रूट्स दे रही है स्प्रिंग में, जब प्लांट हरा भरा है, जब बहुत सारे पत्ते हैं, तब सोर्स ऑफ, बेटा कोई नहीं बोलेगा, लेट हिम टेल, देन टेल मी विच इज द सोर्स ऑफ फूड, लीव्स लीव्स, एंड विच इज द मेन सिंक, बाकी सब प्लांट सब पार्ट्स है, बट विच इज द मेन सिंक, मैक्सिमम खाना कहां पर जा रहा है, रूट, स्टेम, फ्लावर्स, फ्रूट्स, कहां पर, सभी पार्ट्स में जा रहा है बेटा। हाँ कोई और बताएगा मुझे, बैठो बेटा, वेरी गुड, लीव्स आर द सोर्स, स्प्रिंग, स्प्रिंग का मतलब पता है ना आपको, स्प्रिंग जब बहुत अच्छा मौसम है हमारे लिए भी और पेड़ों के लिए भी, राइट? ठीक है, बैठो बेटे, बैठो अपनी सीट पे बैठो, हाँ जी, 10th B बेटा, नाउ टेल मी विच इज द मेन सिंक, यस 10th B, रोल नंबर 28, हाँ जी, सिंक क्या है बच्चे, ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट, बट मेन पार्ट कौन सा है, जहां पे मैक्सिमम खाना जा रहा है और स्टोर हो रहा है, रूट्स, रूट्स, वेरी गुड, स्प्रिंग में रूट्स, देन अब दोबारा से मेरी बात सुनना, ऑटम में तो यहां पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऊपर से नीचे की तरफ खाना आ रहा है, इन ऑटम व्हेन देयर आर नो लीव्स, यस 10th A, रोल नंबर 25, विच इज द सोर्स बेचा, मैम द ट्री विल गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम स्टार्च द स्टोर्ड फूड, नहीं स्टोर्ड फूड तो ठीक है, बट कौन सा पार्ट जो है वो सोर्स है, रूट, स्टेम, लीव्स, कौन सा है, फ्रूट्स, रूट्स है, वेरी गुड, और सिंक क्या होगा, रेस्ट ऑफ द प्लांट, यहां पे कोई स्टोर नहीं हो रहा, बैठो बेटा, अब एक और चीज देखो, तो यहां पे अब रूट से आगे की तरफ ऊपर की तरफ जा रहा है, देन अर्ली स्प्रिंग, न्यू लीफ बर्ड्स, बेटा अभी लीफ जो है इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ बर्ड्स, 10th B,
कैन यू टेल मी जो लीफ बर्ड्स है क्या वो फोटोसिंथेसिस शुरू कर देंगे? नो. फॉर ग्रोथ डू दे रिक्वायर फूड? राइट. सो अगेन सोर्स सिंक. सिंक यहां पे हम कह देते हैं दीज न्यू लीफ बर्ड्स. ये सिंक है क्योंकि इनको बहुत ज्यादा खाना चाहिए फॉर फुल ग्रोथ. नाउ विच इज द सोर्स? रोल नंबर 7, 10th B. जल्दी से माइक के पास भाग के आया करो. यस, विच इज द सोर्स? लीव्स कैन नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, इवन दे रिक्वायर फूड. विच इज द सोर्स? रूट्स रूट्स. वेरी गुड. सो अगेन देयर इज अपवर्ड डायरेक्शन ऑफ फूड. यस और नो? बैठो बेटा बैठो. यस. सो इज इट यहां पे डाउनवर्ड है, यहां पे अपवर्ड है? तो फ्लोइंग ट्रांसपोर्ट क्या हमेशा एक ही डायरेक्शन में है? सो इट इज बाय डायरेक्शनल. एवरीवन एवरीवन ओके? यस. तो फ्लोइंग ट्रांसपोर्ट इज बाय डायरेक्शनल. नाउ द मेन थिंग द गर्ल आस्क कि हाउ द फ्लोइंग ट्रांसपोर्ट अकर. सो व्हाट हैपन दैट लीव्स दे सिंथेसाइज ग्लूकोज, देन ग्लूकोज अल्टीमेटली चेंजेस इनटू सुक्रोज. दिस इज लीव. बीच में इसके क्या है? जाइलम फ्लोएम. तो हम यहां पे बात कर रहे हैं फ्लोएम की. दिस सुक्रोज, सुक्रोज इज ए शुगर. 10th A. आर यू देयर? ओके. थोड़ा सा जब मुझे बिल्कुल स्टिल नजर आते हो ना तो मुझे लगता है कि आप डिस्कनेक्ट तो नहीं होगे, बट नो यू आर देयर. राइट. सो फ्लोइंग सुक्रोज इज ए शुगर. सो देयर इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट. डिफ्यूजन नहीं हो रही है. डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस किसकी होती है? फ्लूइड्स की है. सुक्रोज जो है शुगर है, सॉलिड में है, तो इसलिए इसका एक्टिव ट्रांसपोर्ट. एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? विच रिक्वायर्स एनर्जी. पुश होना है ना. पुशिंग इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट. सुक्रोज की यहां पर जो सुक्रोज का सुक्रोज मूव हियर बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट. इज इट ओके? तो क्या फर्स्ट स्टेप है? लोडिंग ऑफ सुक्रोज इन फ्लोएम ऑफ लीव्स बाय विच ट्रांसपोर्ट? ट्रांसपोर्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट. वेरी गुड. एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज दैट विच रिक्वायर्स एनर्जी. उसके बाद क्या होगा बेटा? पानी उतना ही है, एक गिलास है, उसमें थोड़ी सी पहले शुगर थी, फिर हमने बहुत सारी शुगर डाल दी, तो वो गिलास में जो पानी था उसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, सिरप बन जाएगा. यस और नो? तो अब क्या हुआ? इंक्रीज इन, ये थोड़ा सा टेक्निकल टर्म है, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन. ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन या आप कह सकते हो सोल्यूट कंसंट्रेशन. शुगर क्या है? सोल्यूट है कि सॉल्वेंट है? यस. सोल्यूट कंसंट्रेशन इन फ्लोइंग जब वो बहुत थिक सिरप सा बन जाएगा तो देयर इज ऑस्मोसिस ऑफ वॉटर. कहां से? फ्रॉम जाइलम वेसल्स इनटू सीव ट्यूब्स.
ऑफ फ्लोइंग। नहीं भी याद रहता है सीव ट्यूब्स तो आप सिंपल फ्लोइंग के बारे में लिख सकते हैं कि क्या फ्लोइंग में बहुत ज्यादा शुगर आ गई, वहां पे बहुत ज्यादा थिक सिरप बन गया, उसको डाइल्यूट करने के लिए जाइलम ने उसको पानी दे दिया, राइट? देन अब क्या है, प्रेशर, नॉट ऑस्मोटिक प्रेशर बट प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इन फ्लोइम ऑफ लीव्स इज मोर देन फ्लोइम ऑफ स्टेम। ठीक है, जब पानी ज्यादा हो जाएगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा कि नहीं? ठीक है, देयरफोर शुगर सॉल्यूशन मूव्स फ्रॉम लीफ फ्लोइंग टू स्टेम फ्लोइंग, यस और नो? और Yes. फिर स्टेम के बाद लीफ में तो ऐसे बढ़ता जा रहा है, फिर उसे स्टेम में आ रहा है, और स्टेम से रूट्स फ्लोइंग, यस और नो? नो, रूट्स में आगे, आगे तो कहीं रास्ता नहीं है, रूट्स ही है। सो नेक्स्ट आ जाएगा इन रूट्स जो सिंक है, हम ये नॉर्मल की बात कर रहे हैं। अब यहां पे क्या हुआ है, वॉटर डिफ्यूजेस बैक इन जाइलम, सब कुछ उल्टा हो जाएगा जो लीफ में हुआ था। सुक्रोज मैंने अभी आपको बताया ब्रेक्स इनटू ग्लूकोस एंड फ्रक्टोज, फ्रक्टोज चेंजेस इनटू, बोलो बेटा फ्रक्टोज किसमें चेंज हो जाएगा? वेरी गुड, ग्लूकोज। और फिर मेनी ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स ज्वाइन टू फॉर्म, वेरी गुड वेरी गुड, एंड स्टार्च इज स्टोर्ड फूड ऑफ द प्लांट्स। इज इट क्लियर हाउ फूड इज ट्रांसलोकेटेड? जल्दी से ये लिख लो, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आ जाएगा कि हाउ फूड इज ट्रांसलोकेटेड इन फ्लोइंग, स्टेप वाइज आप ये लिख लोगे, यू विल गेट फुल मार्क्स। राइट डाउन दिस। बातें नहीं, बातें नहीं बेटा, बातें नहीं। बातें बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं बेटा, पीछे नहीं देखना, मुझसे पूछ लो कुछ नहीं आ रहा तो।
ये पूरा क्वेश्चन 3 मार्क्स में आ सकता है, इसमें से ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, सब्जेक्टिव भी, बट अगर आपको ये पूरा क्लैरिटी हो गई देन देर इज नो प्रॉब्लम. हाँ जी, यू वॉन्ट टू आस्क समथिंग? यस. मैम, आई हैव डाउट इन फोर्थ एंड फिफ्थ पॉइंट, इन फोर्थ एंड फिफ्थ पॉइंट. फोर्थ एंड फिफ्थ पॉइंट बेटा, जब, अच्छा आप देखो, 2 मिनट यहां खड़े रहना, कि अगर सेम वॉल्यूम है, आप हवा है, एक गुब्बारा लेते हो, उसमें हवा भरते हो, तो जैसे जैसे हवा भरते हो प्रेशर इंक्रीज होता है कि डिक्रीज होता है? इंक्रीज इंक्रीज. ऐसे ही फ्लोइंग तो उतना ही है, लीफ का फ्लोइंग उतना है. जब शुगर गई और फिर उसके साथ बहुत सारा पानी चला गया उसके अंदर, तो वहां पे प्रेशर इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? इंक्रीज हो जाएगा. तो वो कहीं जाना चाहेगा जहां पे प्रेशर कम है, यस और नो? यस ठीक है, तो प्रेशर अब कम कहां पर कम है? क्योंकि स्टेम के फ्लोइंग में कम है, क्योंकि वहां पे तो शुगर आई नहीं है, वहां पे कोई पानी भी नहीं आया, इसलिए कहां से कहां की तरफ जाएगा खाना? देन इट विल मूव टू स्टेम एंड रूट्स ऑफ फ्लोइंग. हाँ, फ्लोइंग ऑफ स्टेम एंड रूट्स, राइट. लीव से पहले फ्लोइंग ऑफ स्टेम में जाएगा, फिर फ्लोइंग ऑफ रूट्स में जाएगा, यस और नो? यस ठीक है, तो ये फोर्थ पॉइंट क्लियर है, फिफ्थ यस मैम. भी क्लियर हो गया. मैम इन रूट्स फ्लोइंग, मैम हाउ ट्रेवल टू रूट्स ऑफ फ्लोइंग? फ्लोइंग ऑफ रूट्स, राइट. देखो, लीव से खाना रेगुलरली स्टेम में आ रहा है, यस मैम. ठीक है. अब जब स्टेम में रेगुलर खाना आ रहा है, तो वहां पर भी तो प्रेशर बढ़ेगा, यस तो फिर कहां पे जाएगा? पीछे तो जा नहीं सकता, क्योंकि पीछे तो लीफ में, लीफ के फ्लोइंग में पहले ही खाना आ रहा है, तो यस अब कहां पे प्रेशर कम होगा? मैम, प्रेशर कम होगा मैम या रूट्स पर, तो रूट्स की तरफ वो जाएगा, उसकी तरफ यस ट्रांसफर. यस यस, प्रेशर कम होगा रूट्स में, रूट्स के फ्लोइंग में प्रेशर कम होगा, देयरफॉर फूड इज ट्रांसलोकेटेड टू द रूट्स. यस इज इट ओके? यस मैम. तो फोर्थ एंड फिफ्थ पॉइंट इज क्लियर, यस एनीथिंग एल्स? मैम, ओके बेटा, बैठो. लिख लिया बेटा, 10th B. चलो, कुछ लिख रहे हैं, जल्दी से लिख लो, फटाफट से. 10th A डन. यस ओके, 10th B वाले फटाफट से लिखा करो बेटा, ताकि हम अगला फटाफट से करें. एनी स्टूडेंट हु इज नॉट क्लियर अबाउट जाइलम ट्रांसपोर्ट, रोल नंबर 15, 10th A, 15 रोल नंबर, 10th A, जल्दी से आ जाओ बेटा. क्या नाम है बेटा आपका? अरुण, स्पेलिंग बताओ. HARMAN. हरमन. ओके हरमन, टेल मी विच फोर्सेस हेल्प्स इन, देखो रूट में से जाइलम ट्रांसपोर्ट क्या है, वाटर एंड मिनरल्स ने रूट में से ऊपर जाना है, एंटी ग्रेविटी. विच फोर्सेस हेल्प्स इन जाइलम ट्रांसपोर्ट? किसी की तरफ नहीं देखना, आपने सोच के बोलना है, याद करके बताओ. डू यू रिमेम्बर और नॉट? ट्रांसपोर्ट दोबारा से, कौन सी? एक आपने क्या बताया, ट्रांसपीरेशन आपने कहा है? ट्रांसपोर्टेशन नहीं, ट्रांसपोर्टेशन तो होता है ट्रांसपोर्ट होना, वो तो एक प्रोसेस है ट्रांसपोर्ट की, मतलब कोई चीज यहां से ही वहां मूव कर रही है, तो उसको ट्रांसपोर्टेशन कह दिया. बट व्हाट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर फ्रॉम रूट्स टू द लीव्स अगेंस्ट ग्रेविटी? वो तो देखो आपके फ्रेंड्स ने, कितने सारों ने बता दिया आपको. हाँ बोलो, आप बोल दो. ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपोर्टेशन नहीं, ट्रांसपीरेशन. इज इट ओके? हरमन बैठो अपनी सीट पे, और मैं अभी बताऊंगी या पूछूंगी, ध्यान से सुनना है बेटा, ठीक है?
बैठो, सीट पे बैठो। बेटा आगे करूं मैं? सुनाओ, 10th B, जाइलम ट्रांसपोर्ट, इज इट यूनिडायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल? ध्यान से, सोर्स क्या है जाइलम? पहले तो जाइलम से ट्रांसपोर्ट क्या होता है 10th B? वाटर वॉटर एंड मिनरल्स, राइट? तो सोर्स क्या है इसका? क्या कभी लीव से रूट्स में आता है पानी? नो, हमेशा कहां से कहां पर जाता है? रूट से लीव्स में, या रूट से रेस्ट ऑफ द प्लांट्स में। अपवर्ड ट्रांसपोर्ट है, सो इट इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल की बाई डायरेक्शनल? यूनिडायरेक्शनल, याद रखना है बेटा ये। यूनिडायरेक्शनल। सेकंड इज एंटी ग्रेविटी। एंटी मीन्स अगेंस्ट ग्रेविटेशनल पुल। सो विच आर द टू फोर्सेस दैट हेल्प्स इन यू नो जाइलम ट्रांसपोर्ट? कैन एनीबडी टेल मी? कम फॉरवर्ड जिसको पता है, जल्दी से बोलो फटाफट। ट्रांसपिरेशन ट्रांसपिरेशन पुल एंड ग्रेविटेशनल पुल, एंड ग्रेविटेशनल नहीं, ट्रांसपिरेशनल पुल तो हो गया, और बताओ सेकंड फोर्स? ग्रेविटेशनल नहीं, और बताओ एनी। हाँ, माइक के पास आके। एक तो ट्रांसपिरेशनल पुल आपने बता दिया मुझे, एनी अदर? पुल नहीं बेटा, ग्रेविटेशनल पुल तो नीचे की तरफ है, जबकि पानी तो ऊपर जा रहा है। ऊपर एक तो ट्रांसपिरेशन पुल ने उसको खींच लिया, दूसरा क्या है? देर इज रिटन एंटी ग्रेविटी, सो दैट इज एंटी ग्रेविटेशनल नहीं ना ना ना, वो तो ट्रांसपिरेशनल पुल का ही दूसरा टाइम काम हो गया, एंटी ग्रेविटेशनल पुल। चलो बैठ। हाँ, किसी ने मुझे बताया, वेरी गुड। प्रेशर। रूट प्रेशर किसने बताया मुझे, पता नहीं चला? यस, वेरी गुड, 10th B में से आंसर आया है, वेरी गुड। सो देयर आर टू फोर्सेस, वन इज रूट प्रेशर एंड अनदर इज ट्रांसपिरेशनल पुल। बट आउट ऑफ दीज टू, विच इज द मेजर फोर्स? ट्रांसपिरेशनल पुल, वेरी गुड, वेरी गुड। सो रूट प्रेशर, रूट प्रेशर है किसी को धक्का देना, और ट्रांसपिरेशन पुल है किसी को खींचना। इज इट राइट? धक्का देना इज रूट प्रेशर और खींचना इज ट्रांसपीरेशन पुल, ठीक है? सो रूट प्रेशर जो है ध्यान से देखना है बेटा, ये आपकी बुक में बहुत अच्छा नहीं दिया हुआ, मतलब बहुत क्लैरिटी से नहीं, अच्छा तो नहीं मैं कहूंगी, बहुत क्लैरिटी से नहीं दिया हुआ। आई विल एक्सप्लेन, सो लर्न प्रॉपरली। लर्न का मेरा मतलब रट्टा मारना नहीं है, लर्न का मेरा मतलब है सीखो समझो। सो रूट प्रेशर अकर्स व्हेन वॉटर इज एब्जॉर्ब्ड बट नो और लेस ट्रांसपीरेशन। वॉटर लूज तो नहीं हो रहा, बट वॉटर रेगुलरली एब्जॉर्ब हो रहा है। ऐसा क्यों है? क्यों एब्जॉर्प्शन? जब चाहिए नहीं तो प्लांट क्यों एब्जॉर्ब कर रहा है बेटा? इसका कारण ये है, रीजन असर्शन में क्वेश्चन आ सकता है। द रीजन इज बिकॉज द प्लांट एब्जॉर्ब्स मिनरल्स। मिनरल्स उसे चाहिए, या द प्लांट एब्जॉर्ब्स मिनरल्स एंड अलॉन्ग विद मिनरल्स वॉटर हैज टू बी एब्जॉर्ब। नहीं तो कंसंट्रेशन मिनरल्स की बहुत ज्यादा हो जाएगी, प्लांट में अगर उतना पानी नहीं हुआ तो प्लांट मर जाएगा। सो अलोंग विद मिनरल्स वॉटर इज नेचुरली अब्सॉर्ब, बट इफ वॉटर इज नॉट लॉस्ट,
मिनरल्स तो एब्जॉर्ब हो रहे हैं, ट्रांसपीरेशन नहीं हो रही है, तो मिनरल्स के साथ साथ पानी एब्जॉर्ब हुए जा रहा है. सो व्हाट हैपेंस, एक्यूमुलेशन ऑफ वॉटर इन रूट्स, इट जेनरेट्स रूट प्रेशर, इट पुशेस वॉटर अपवर्ड्स, राइट? सो दिस इज रूट प्रेशर. एंड रिमेंबर दैट रूट प्रेशर इज जनरेटेड, आपने मुझे बताना है दिन में कि रात में. दिन में बहुत ब्राइट सन है एंड रात में सन नहीं है, तो रूट प्रेशर, व्हेन रूट प्रेशर इज जनरेटेड, ड्यूरिंग डे और ड्यूरिंग नाइट? नाइट ड्यूरिंग नाइट, बिकॉज ड्यूरिंग डे व्हेन देयर इज लॉट ऑफ सनलाइट देयर इज हीट, देयर इज ट्रांसपीरेशन, बट ड्यूरिंग नाइट बिकॉज देयर इज नो सन, लेस हीट, सो आइदर देयर इज नो ट्रांसपीरेशन और देयर इज लेस ट्रांसपीरेशन. सो रूट प्रेशर इज जनरेटेड. ड्यूरिंग नाइट ओनली, इन विच सीजन, ड्यूरिंग समर सीजन और ड्यूरिंग रेनी सीजन? सोच के बताना है. रेनी सीजन व्हेन इन द एटमोसफियर देर आर लॉट ऑफ वॉटर वेपर्स, जब एटमोसफियर इज सेचुरेटेड विद वॉटर वेपर्स देन देयर इज लेस ट्रांसपीरेशन. एंड इन स्मॉल प्लांट्स बट जाइलम ट्रांसपोर्ट अकर्स इन लार्ज प्लांट्स, इट अकर्स इन यू नो इन समर सीजन ऑल्सो, ड्यूरिंग डे ऑल्सो. फर्दर रूट प्रेशर pushes water only up to small height. So, हम क्या कहेंगे? Therefore, root pressure plays minor role इन जाइलम ट्रांसपोर्ट. यस और नो? यस सो वन कैन आस्क यू व्हाट इज रूट प्रेशर, हाउ इट इज जनरेटेड, व्हेन इट इज जनरेटेड एंड व्हाई इट प्लेज माइनर रोल इन जाइलम ट्रांसपोर्ट. क्लियर है? यस घर जाकर वीडियो देखकर ये लिख लोगे. हाउ यस मेनी ऑफ यू हैव विजिटेड अवर यूट्यूब चैनल? घर जाके किसने रिवाइज किया है? सिर्फ ये देखने के लिए नहीं कि हमने देखना है, रिवाइज किसने किया है? रेज योर हैंड. नोबडी. अच्छा, अब आज जाकर बेटा, कोई बात नहीं, आज जाकर आपने किस लिए, ये नहीं कि हमारे व्यूज बढ़ाने हैं, हमें वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना? वी आर नॉट यूट्यूब ब्लॉगर. किस लिए देखने हैं आपने? ताकि ये चीजें रिवाइज कर लो घर जाकर. इज इट ओके? ठीक यस है, बिकॉज कंसेप्ट ऑफ रूट प्रेशर इज नॉट क्लियरली गिवन इन योर बुक. सो रिवाइज दिस टॉपिक बाय सीइंग दिस यू नो लेक्चर ऑन यूट्यूब. आपको हमारा यूट्यूब चैनल का नाम पता है? यस, के एडुकॉन ई लर्निंग, राइट? सो
नो, विच इज द मेजर फोर्स इन जाइलम ट्रांसपोर्ट? ट्रांसपीरेशन पुल. सो व्हाट हैपन? सिंपल, लेस ह्यूमिड एटमोस्फियर, इट पुल्स वॉटर फ्रॉम द जाइलम ऑफ लीव्स थ्रू स्टोमेटा, देन जाइलम ऑफ लीव्स दे गेट डेफिशिएंट ऑफ वॉटर, दे पुल्स वॉटर फ्रॉम जाइलम ऑफ स्टेम, देन स्टेम गेट्स डेफिशिएंट ऑफ वॉटर, इट पुल्स वॉटर फ्रॉम जाइलम ऑफ रूट्स, एंड फाइनली रूट्स एब्जॉर्ब वॉटर फ्रॉम सॉइल. एम आई राइट? यस लिख लोगे? ट्रांसपीरेशन पुल अगर आ जाए तो आप ये पूरी प्रोसेस लिख लोगे. सो व्हाट इज ट्रांसपीरेशन? यस, रोल नंबर 11, 11, 10th ए. व्हाट इज ट्रांसपीरेशन बेटा? वी कैन से इट इज द लॉस ऑफ वाटर व्हेन देयर इज लेस ह्यूमिडिटी इन द एटमॉस्फेयर. लॉस ऑफ वॉटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, बैठो. वेरी गुड. सो लॉस ऑफ वॉटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स फ्रॉम प्लांट लीव्स इनटू एटमॉस्फेयर थ्रू स्टोमेटा, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसपीरेशन. व्हाट आर द एडवांटेजेस? थर्टी वन, रोल नंबर 10th बी. जल्दी से भाग कराओ बेटा, भाग कर. वेरी गुड. व्हाट आर द एडवांटेजेस प्लांट को? प्लांट इतना पानी पहले एब्जॉर्ब करता है, फिर उसको लूज करता है, क्या जरूरत है? व्हाई? व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ ट्रांसपीरेशन? डू यू नो दैट एनीथिंग? एक बता दो मुझे. अच्छा मुझे ये बताओ बेटा, क्या नाम है पहले बच्चे? आपका नाम क्या है? अनप्रीत हरप्रीत? अनप्रीत मनप्रीत? एम आई राइट? यस, ओके मनप्रीत. टेल मी कि जब आपकी स्वेटिंग होती है, राइट, आपको स्वेटिंग का क्या फायदा है बेटा? अच्छा, जब स्वेटिंग, जब पसीना सूखता है तो आपको क्या फायदा होता है? अगर आप बोल रहे हो तो मुझे सुन नहीं रहा है, या बोल नहीं रहे, माइक के पास आके बोलो अगर बोल रहे हो तो. अच्छा चलो आप बैठो, बैठो. 32 रोल नंबर, सेम क्लास. आप बताओ बेटा, स्वेटिंग से आपको क्या फायदा है? टेम्परेचर टेम्परेचर रेगुलेशन. जब स्वेटिंग जो है, जब हमारा स्वेट सूखता है, इवेपोरेट होता है, इट टेक्स लॉट ऑफ हीट फ्रॉम अवर बॉडी. और जब हमारी बॉडी में बहुत सारी हीट लूज हो जाती है, इट गिव्स अस, यू नो, लो टेम्परेचर फीलिंग, कूल फीलिंग हमें देता है. ऐसा ही होता है, यस और नो? yes. अब मुझे बताओ, इससे रिलेट करो प्लांट्स का. यू सी दैट दिस ट्रांसपीरेशन इज लाइक ए स्वेटिंग इन प्लांट्स. नाउ टेल मी, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ ट्रांसपीरेशन टू द प्लांट? टेम्परेचर तो हम क्या कह सकते हैं, इट लोअर्स डाउन प्लांट टेम्परेचर कि इंक्रीजेस प्लांट टेम्परेचर?
लोअर्स डाउन टेम्परेचर ऑफ द प्लांट. सो फर्स्ट इज हम कह सकते हैं गिब्स, कूलिंग इफेक्ट टू द प्लांट. नाउ टेल मी, सेकेंड भी आपने मुझे बताना है कि अब मुझे एक चीज बताओ कि ऑल्दो जितना भी पानी एब्जॉर्ब करता है उसमें से मैक्सिमम लूज कर देता है, बट कुछ पानी तो वो अपने यूज में भी आता है, यस और नो? Yes. ठीक है, अब मुझे ये बताइए, रूट प्रेशर से तो पानी बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जा सकता, ठीक है, तो कौन सी फोर्स है जो पानी को रूट में से ऊपर लेके आती है? ट्रांसपीरेशन कौन सी फोर्स है? ट्रांसपीरेशन ट्रांसपीरेशन पुल है. तो क्या एडवांटेज हुआ? इट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. ट्रांसपोर्ट ऑफ वॉटर, बिल्कुल ठीक है, बट क्या पानी अकेले आता है कि साथ में मिनरल्स भी लेके आता है? मिनरल्स मिनरल्स भी लेके आता है, और वाटर और मिनरल्स के सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? सैप, SAP, सैप. ठीक है, बैठो. सो इट हेल्प्स इन एसेंट ऑफ सैप, इट गिव्स कूलिंग इफेक्ट टू द प्लांट. सेकेंड है इट हेल्प्स इन, बोलो सारे, असेंट. असेंट होता है ऊपर आना, डिसेंट होता है नीचे जाना. तो असेंट, आपने लाइफ में क्या करना है, असेंट करना है कि डिसेंट करना है? असेंट करना है, हमने अपने कैरियर में असेंट करना है, हमने अपने मार्क्स में असेंट करना है. इज इट ओके? सो हियर ट्रांसपीरेशन हेल्प्स इन एसेंट ऑफ सैप, राइट? सो 10th A, रोल नंबर 33, है 33? जल्दी से आओ, जल्दी से कम फॉरवर्ड. व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ ट्रांसपीरेशन? क्या हार्मफुल इफेक्ट क्या है? माइक के पास आगे आओ, माइक के पास आओ. हाँ, क्या हार्मफुल इफेक्ट होगा बेटा? गर्मियों में ट्रांसपीरेशन हुए जा रही है, हुए जा रही है, प्लांट को क्या हार्मफुल इफेक्ट होगा? डिफिकल्टी इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल्स एंड वाटर. बेटा ट्रांसपोर्ट तो हो रहा है, जब ट्रांसपीरेशन हो रही है तो ट्रांसपोर्ट भी हो रहा है. गर्मियों में ट्रांसपीरेशन ज्यादा होगी कि कम होगी, पहले मुझे ये बताओ. मोर और लेस? मोर होगी. सॉइल में से भी पानी वेपोरेट कर रहा है, प्लांट में से भी वेपोरेट कर रहा है, तो सॉइल में पानी कम रहेगा कि ज्यादा रहेगा? कम हो जाएगा. ठीक है, ट्रांसपीरेशन लूज ज्यादा हो रहा है प्लांट में पानी, उसे मिल कम रहा है, तो क्या दिखेगा? प्लांट मुरझा जाएगा कि खिलखिलाएगा? जाएगा मुरझा जाएगा. तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ, या व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ एक्सेस ट्रांसपीरेशन? विल द प्लांट ग्रो ग्रीन और विल इट विल्ट? विल्टिंग होता है मुरझाना, क्या होगा? विल्टिंग हो जाएगी, बिल्कुल ठीक है, बैठो बेटा, वेरी गुड. सो डिसएडवांटेज एक्सेस ऑफ ट्रांसपीरेशन कॉजेस विल्टिंग. एक्सेस ऑफ ट्रांसपीरेशन, तो हम क्या कहते हैं, ट्रांसपीरेशन इज द नेसेसरी एविल. एविल होता है जो नुकसान कर रहा है, बट नेसेसरी भी क्या है? सो क्वेश्चन कैन कम, हाउ ट्रांसपीरेशन इज द नेसेसरी एविल? सो यू विल राइट डाउन दैट बिकॉज ट्रांसपीरेशन हैज एडवांटेजेस एज वेल एज डिसएडवांटेजेस. दीज आर द टू एडवांटेजेस, दिस इज द सिंगल डिसएडवांटेज. ड्यू टू दीज एडवांटेजेस इट इज नेसेसरी, ड्यू टू दिस डिसएडवांटेज इट इज एविल.
इज इट ओके, क्लियर? एनीथिंग यू वॉन्ट टू आस्क फ्रॉम दीज टॉपिक्स? अब गलत तो नहीं होगा, अगले हफ्ते नेक्स्ट वीक हम टेस्ट ले लें आपका इस चैप्टर में से, ठीक है मैम? आई विल प्लान द टेस्ट ऑन द नेक्स्ट वीक, क्योंकि हमने ये चैप्टर खत्म, थोड़ा सा मैं और बताऊंगी, ये चैप्टर हमने रिवाइज करवाया है, तो आई विल डिस्कस विद यू कि कब हम इनका टेस्ट ले लें नेक्स्ट वीक, राइट? एंड आपने इनको क्लास में थोड़ा सा रिमाइंडर भेजते रहना है कि टेस्ट है बच्चों, ओके? सो नेक्स्ट एक चीज थी, एक जो मैं तुमसे पूछना चाहती हूं, एक सर्कुलेशन में, सर्कुलेशन ऑफ ह्यूमंस या एनिमल्स, देयर इज सिंगल सर्कुलेशन एंड देयर इज डबल सर्कुलेशन। आई विल शो यू बाय डायग्राम्स, यू विल टेल मी द डिफरेंस। इट अकर्स इन फिशेस वेयर देयर इज जो टू चैम्बर्ड हार्ट, दिस इज ओरिकल एंड दिस इज वेंट्रिकल। दिस इज गिल्स, दिस इज गिल, अगेन ब्लड वेसल, दिस इज बॉडी, फ्रॉम बॉडी डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड कम्स हियर। एंड एज यू सी दैट ऑक्सीजिनेटेड ब्लड गोज हियर। और फिर डीऑक्सीजिनेटेड। सो व्हाट हैपन्स, लेट मी एक्सप्लेन, दैट डीऑक्सीजिनेटेड इम्प्योर ब्लड गोज फ्रॉम बॉडी इनटू हार्ट। दिस हार्ट इज वीनस हार्ट, क्योंकि इसमें इम्प्योर डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड है, ओरिकल से वेंट्रिकल में। और फिर ये क्या है, गिल्स आर द रेस्पिरेटरी ऑर्गन वेयर ऑक्सीजन इज एडेड इन द ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड। सो ब्लड इज प्योरिफाइड इन गिल्स, देन प्योर ब्लड गोज इन टू बॉडी, अगेन रेस्पिरेशन अकर्स, सीओ टू इज जनरेटेड, इम्प्योर ब्लड अगेन गोज इन टू हार्ट। दिस इज सिंगल सर्कुलेशन, राइट? देन हियर डबल सर्कुलेशन अकर्स इन एम्फिबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स वेयर लंग्स आर देयर। Let us see. So this is body. From body, deoxygenated blood goes into what is this? Right auricle की left auricle? Right auricle. From right auricle it goes into from right ventricle. इट गोज इन टू इन द लंग्स, व्हाट हैपन्स?
प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड, ऑक्सीजन इज एडेड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स इट एंटर्स इन द लेफ्ट ऑरिकल, फ्रॉम लेफ्ट ऑरिकल द ब्लड गोज इन टू लेफ्ट वेंट्रिकल एंड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल इट गोज इन टू बॉडी. सो नाउ टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस इन सिंगल सर्कुलेशन एंड डबल सर्कुलेशन, जल्दी से. यस, हु विल टेल मी, रेज योर हैंड्स. 10th B, रोल नंबर 20, आ जाओ बेटा. दोनों में क्या डिफरेंस है बच्चे? इन डबल सर्कुलेशन फर्स्ट द ब्लड गोज टू राइट हैंड राइट राइट साइड ऑफ द हार्ट. हाँ, राइट साइड ऑफ द हार्ट देन गोज टू द लंग्स एंड देन लंग्स टू द हार्ट लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट राइट, देन द ब्लड गोज टू द बॉडी रेस्ट ऑफ द बॉडी. ये तो बात ठीक है, बट अगर पूछा जाए, ये तो मैंने डायग्राम बनाया तो पता चल गया, बट इसको सिंगल और इसको डबल क्यों कहा गया? क्योंकि बेटा, यस बैठो बेटा बैठो, बिकॉज हेयर यू कैन सी दैट इन वन सर्कुलेशन ब्लड पासेस टू हार्ट ओनली वंस. एक सर्कुलेशन में हार्ट में से एक बार ही ब्लड जा रहा है. यहां पे क्या हुआ, पहले हार्ट में गया, फिर हार्ट से बाहर लंग्स में गया, फिर लंग्स से बाहर अंदर हार्ट में आया, और हार्ट से फिर बॉडी में गया. तो हम क्या कहेंगे, इन सिंगल सर्कुलेशन ब्लड पासेस थ्रू हार्ट ओनली वंस इन वन साइकिल, वेयर एज इन डबल सर्कुलेशन द ब्लड पासेस थ्रू हार्ट ट्वाइस इन वन सर्कुलेशन. यस और नो? लिख लोगे? लिख लो, फटाफट से लिख लो, बस हम फिर खत्म करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है, सिंगल एंड डबल सर्कुलेशन. राइट डाउन इन सिंगल सर्कुलेशन ब्लड पासेस थ्रू हार्ट, ब्लड पासेस थ्रू हार्ट ओनली वंस, ओनली वंस इन वन साइकिल. एग्जाम्पल है फिशेस. डायग्राम आपने घर जाके वीडियो देख के बना लेना है, जरूर बनाना है. और दूसरा है डबल सर्कुलेशन, द ब्लड पासिस थ्रू हार्ट ट्वाइस, द ब्लड पासिस थ्रू हार्ट ट्वाइस इन वन सर्कुलेशन. एग्जाम्पल है सिंगल सर्कुलेशन की फिशेस, एंड डबल सर्कुलेशन की एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स. So I hope these are the things which I feel they are important to revise, right? So next time we will start with your next chapter, that is heredity and evolution. Any doubt in this chapter, you can ask me next time. Is it okay? Yes. And most probably next Sunday you will have the test from this chapter. ठीक है? बहुत ही अच्छी तरह से देना है ताकि मुझे पता चले कि मेरा पढ़ाया हुआ कितना आपको रिवाइज हो गया. इज इट ओके? ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, बाय बाय. ओके बच्चे.